जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जय बोले बाबा जी। बोले बाबा जी की प्रभु जी। दो मिनट आपका व्हाट्सएप खोलो एक बारी कि मैंने आपको किसके लिए बोला, किस काम के है। मेरे को कुछ आपने कोई मैसेज किया था मुझे? हाँ नहीं, आपने मेरे को किया था ना कि प्लीज कॉल मी। दो मिनट, मैं हाई लिख के भेज रहा हूँ अभी। दो मिनट, हाई लिख के भेज रहा हूँ ताकि आपका मेरा मेल ऊपर आ जाएगा। लिखिए। आ गया आ गया आ गया। अरे यार, एक तो ये व्हाट्सएप कॉलिंग, फोन कॉलिंग। अच्छा हाँ, व्हाट्सएप है ना। हाँ, आपने कुछ, हाँ ये लिखा हुआ ना आपने 7 को घूमने वाला, ये क्या 3 प्लान क्या लिखा है आपने? मुझे थोड़ा कंफ्यूजन। एक्चुअली हम लोग का 7 का रिटर्न टिकट है फ्लाइट से जम्मू से। ओहो, आपका जम्मू से सेकंड का रिटर्न है? 7 का रिटर्न है। रात को कितने बजे? सेकंड का तो हम लोग आपके साथ में उतर चलेंगे। हाँ, मैं समझ गया। सात शाम को कितने बजे? कितने बजे टिकट है आपका? ये फ्लाइट मेरे लिए 3:30 का कुछ है। ओहो, फिर कैसे में हो पाएगा? हमारी तो बसें वहाँ पे 4-5 बजे पहुंचेंगी उधमपुर। 4-5-6 भी बज जाते कई बार। नहीं, अगर हम लोग जैसे 4 तारीख को नीचे आ रहे हैं, बराबर है, समझो सब कुछ ऊपर बराबर है, और 4 तारीख को नीचे आ रहे हैं, तो जैसे बहुत से लोग कटरा जा रहे हैं, अपना जम्मू वैष्णो देवी जा रहे हैं ना, तो उन लोग के साथ में हम लोग को ज्वाइन कर देंगे तो भी चलेगा ना। वो तो ठीक है, लेकिन वो माता वैष्णो देवी जाएंगे, और माता वैष्णो देवी वो भी शाम को ही पहुंचेंगे 7 तारीख को। और वो शाम को ट्रैक नहीं जा रहे हैं, वो ट्रैक नहीं जा रहे हैं, वो पहले श्रीनगर घूमेंगे। फिर श्रीनगर से जब हम सुबह निकलेंगे ना 7 तारीख को, हम निकलेंगे उधमपुर के लिए और वो जाएंगे श्री माता वैष्णो देवी के लिए। अच्छा, ऐसा करेंगे। ओके, तो ये गुलमोहर वो सब हम लोग को घूमना रहेगा तो फिर। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से। आप कितने यात्री हैं? आप 3 ही यात्री हैं। सब मेल है या फीमेल भी है साथ में कोई? एक फीमेल है। अच्छा, आप हैं और आप, दो मिनट। अच्छा अच्छा, ठीक है, दो मेल है एक फीमेल है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। 2 तारीख को तो आपको यात्रा करना है, तो अगर आप हमारे साथ चलते हैं तो आपका प्लान हमारे साथ ही यात्रा का रहेगा। लेकिन जब आप बालटाल उतरेंगे ना, 2 को शेषनाग, लेकिन 3 को बाबा जी पंसरनी, 4 को, 5 तक आप बालटाल उतरेंगे, तो आप 6 का दिन रखिए घूमने के लिए मोटा मोटा ना। ओके, ठीक है। आपको यात्रा पैदल करना है घोड़े से करना है? हम लोग 2 दिन पैदल करेंगे, और जो हम लोग के साथ में जो लेडीज लेगी ना, वो ये करेंगे घोड़ा से करेंगे। तो आप ये मान के चलिए फिर, जैसे जैसे मतलब पैदल यात्रा है, पैदल ही मान के चले ना, घोड़े वाला रुक जाएगा आपके लिए, लेकिन आप घोड़े तरह ही भाग पाओगे ना, ठीक है। तो ये हो गया कि 3 तारीख को हम रुकेंगे शेषनाग जो है, 4 तारीख को हम रुकेंगे पंचतरणी में, 5 को गुफा बाबा जी की, 6 को हम नीचे आएंगे। तो 6 को आप भी नीचे आएंगे, मतलब क्योंकि आप भी पैदल यात्रा कर रहे होंगे साथ में, है ना। 6 को आप भी नीचे आएंगे, तो फिर कैसे आपका ये, आपने प्लान कैसे, अभी टिकट बुक किया आपने पहले से करके? था नहीं, ये देखिए ना, आपने बोला ना सेकंड को जैसे ऊपर चलते हैं, बराबर है, थर्ड को शेषनाग पहुंच जाएंगे। थर्ड को शेषनाग नहीं, 2 तारीख को ही शेषनाग पहुंच जाएंगे। 2 तारीख को शेषनाग में स्टे, 3 तारीख को पंचतरणी में, 4 को, अच्छा मैंने गलत बोल दिया, सॉरी, 2 तारीख को शेषनाग में स्टे होगा हमारा, 3 तारीख को पंचतरणी में, 4 तारीख को बाबा जी गुफा पे, और 5 तारीख को नीचे वापिस बालटाल पहुंच जाएंगे। नहीं, 4 तारीख को ही नीचे उतरेंगे ना बालटाल? नहीं नहीं सर, 2 तारीख को शेषनाग जी है, 3 तारीख को आपका पंचतरणी है, और 4 तारीख को बाबा जी गुफा पे रुकेंगे ना, वहाँ पे रुकते हैं, वहाँ दर्शन करने रुकते हैं वहाँ पे। अच्छा, 4 तारीख को, 2 मिनट को मैं यात्रा प्लान और देख लूँ, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं होगी कुछ? नहीं, 4 तारीख को आपने बोला तो रिटर्न आ जाएंगे आप लोग। बोलना नहीं सर, बोलना नहीं, जो प्लान में है ना वही चलेगा। 4 तारीख को देखिए, 4 तारीख को हम बाबा जी गुफा पे स्टे करेंगे। और 5 तारीख को हम हनुमान मंदिर में, 5, रुकिए रुकिए सर रुकिए 2 मिनट। ठीक है, 2 तारीख को शेषनाग जी, और 2 तारीख को शेषनाग जी, 3 तारीख को आपका पंचतरणी, और 4 तारीख को आपका बाबा जी के दर्शन लिखा हुआ है लास्ट में। देखो आप, आपने प्लान खोला हो तो,
आफ्टर दर्शन रिटर्न टू टेंट, ठीक है, 8 बजे रात को वही रुकेंगे, ठीक है। और फिर 5 जुलाई को, 5 जुलाई को सुबह चलना शुरू होंगे वहां से ऊपर से बालटाल से, और अपनी यात्रा कंप्लीट करेंगे और रात को स्टे करेंगे हनुमान मंदिर में। हाँ बरोबर, आप चाहते कैसे ना, तो वही कंफ्यूज हो गया मैं, ठीक है। अब हमारे लिए घूमने का दिन जो है वो है 6 तारीख का, ठीक है। हमारे जो यात्री गए होंगे वो लोकल वहां पे अपना 6 तारीख को घूमेंगे, और 7 तारीख की सुबह फिर हम अपनी बसेस लेके शाम को उदयपुर पहुंच जाएंगे। तो आपको कहाँ घूमना है 6 तारीख को? 6 तारीख गुलमर्ग और डल लेक। अच्छा नहीं, गुलमर्ग, आप अगर गुलमर्ग के लिए बहुत जल्दी सुबह निकलते हैं तो आप पूरा दिन में एक दिन का ट्रिप होता है गुलमर्ग का, ये मान के चलिए आप। अगर आप बहुत फास्ट करेंगे तो शाम को आके डल लेक हो गया, ठीक है, वो आपके ऊपर है, देखते हैं कितनी जल्दी आप जाएंगे और कितनी जाना ही है, जल्दी आ जाएंगे तो डल लेक घूम लेंगे। और 7 तारीख को सुबह हमारी बसें चलेंगी, लेकिन यहाँ समस्या क्या है कि हमारी बसें 7 बजे चलेंगी, आपकी फ्लाइट जम्मू से कितने बजे है? 3:30। ये रिस्की मामला हो गया, इसके लिए अब ऑप्शन आपके पास एक बचता है कि आप जम्मू से श्रीनगर की फ्लाइट देख लीजिए। जम्मू से श्रीनगर की फ्लाइट देख लीजिए आप 7 तारीख की सुबह सुबह की। अच्छा श्रीनगर से ही पकड़ लो, ऐसा बोल रहे आप? हाँ श्रीनगर से जम्मू की, या श्रीनगर से जहाँ की फ्लाइट आप लेना चाहते हैं, श्रीनगर से डायरेक्ट बॉम्बे। बॉम्बे की मैं तो फिर जम्मू की कैंसिल करके श्रीनगर से ही कर देता हूँ ना। पहले प्लान चेक कर लीजिए ना एक बार। हाँ श्रीनगर से आप श्रीनगर डायरेक्ट फ्लाइट पड़ी, और हमसे आप प्लान लीजिए 1 साइड का, 1500 रुपए टिकट वाला प्लान है ना वो लीजिए, या फिर ये मत लीजिए आप 35-37 रुपए, तो आपका पैसा यहाँ बच जाएगा फिर वो वाला, ठीक है। ओके ठीक है ना, प्लान ए प्लान बी आपको प्लान सी मैंने भेजा हुआ है ना। हाँ मैं देखा, वही ओपन किया हुआ है मेरा। हाँ तो प्लान वाला हाँ भेजा हुआ आपको मैंने, कितना होगा किराया। तो इसमें आपका फायदा ये होगा कि अगर आपको फ्लाइट से आना है तो आप फिर 7 तारीख की 7 जम्मू वाली कैंसिल करके, अगर देखिए सर दो ऑप्शन है, आपका पैसा कहाँ बच रहा है वो देखिए पहले आप ना। हमसे आप 1 साइड का प्लान लेंगे, लेकिन फिर समस्या ये होगी कि आप जब श्रीनगर से बालटाल से यहाँ श्रीनगर आएंगे तो कोई बात नहीं, फिर एडजस्ट कर लेंगे या टैक्सी वैक्सी कर लेंगे, वो छोड़ो कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है हमारा जो एक प्लान है ना प्लान बी, उसमें ये है कि ओनली ड्रॉप ड्रॉप है, ओनली पहलगांव ड्रॉप ड्रॉप है, यात्रा करने के बाद फिर यात्री अपना खुद देखेगा। तो आपको श्रीनगर जाना है, आपको क्यों वो बी वाला लेना है, अब बस खाली जाएगी वहां से फायदा नहीं, तो मेरी बात सुनिए, वहां से आप ये लीजिए प्लान बी। और आप ना अब देखिए कि सुबह जो आपने फ्लाइट बुक कराई है उसका चार्ज क्या है, और डायरेक्ट अगर आप श्रीनगर से बम्बई ले रहे हैं तो उसका चार्ज क्या है, और श्रीनगर से जम्मू ले रहे हैं तो उसका चार्ज क्या है, फिर जहां आपको कैलकुलेशन पैसे की कम लग रही है ना वहां पे आप फिक्स कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया, कंफ्यूजन थी मुझे भी, तो अच्छा वो आपने बता दिया। यही अगर आपकी 8 तारीख की फ्लाइट होती तो काम चल जाता, वो आप देख लीजिए, अभी भी देख लीजिए कि आपको अगर फ्लाइट आगे करनी है तो वो भी देख लीजिए आप। पर मैंने आपको प्लान भेजा था, फिर भी आपने 7 तारीख की इतनी जल्दी 3 बजे के कर दिया, समझ नहीं आई मुझे। एक्चुअली 7 तारीख को है ना अवेलेबिलिटी थी, चेक नहीं किया था, 7 तारीख को अवेलेबिलिटी थी इसके लिए ले लिया था। तो आपने कर लिया, तो टिकट आपको सस्ता मिला महंगा मिला? सस्ता ही मिला। अच्छा आप टिकट को कैंसिल करेंगे तो पैसा आपका खराब होगा, तो सबसे बढ़िया आप ऑप्शन देखिए श्रीनगर से जम्मू के लिए कोई दिन की फ्लाइट हाँ जाती है, श्रीनगर से जम्मू जाती है सुबह सुबह फ्लाइट, पक्का है मुझे याद है, और अगर वो जाती है तो अच्छी बात है, उसका कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर वो नहीं जाती है तो दूसरा ऑप्शन फिर ये है कि आप टैक्सी वाला ऑप्शन फिर ज्यादा बढ़िया है ना, आप उसे मतलब एक ही दिन पहले ही नाइट में निकल सकते हैं तो जम्मू में स्टे कर ले फिर जाके, तो जहां आपका पैसा बचता हो, पर वो सेफ्टी नहीं है उसमें और ट्रैवल लंबा करना पड़ेगा, उसमें मजा नहीं आएगा। श्रीनगर से आप जम्मू की फ्लाइट देख लीजिए, ज्यादा बेस्ट रहेगी आपके लिए, ठीक है। ठीक है मैं देख लेता, तो आपके यहाँ बस के पैसे बच जाएंगे, उतने आपकी फ्लाइट में काम आ जाएंगे, ठीक है सर। तो प्लान बी हम लोग बुक कर ले, अभी बुक मत करो, पहले टिकट बुक कर लो, प्लान तो मेरे हाथ में ना, फ्लाइट बुक कर लो, सब कुछ कर लो, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। मैं आपको बताया ना, चल प्लान बी में आपको करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। जय बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।